नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में। ये देखिए, केसरिया संदेश के लिए हमने आधा किलो दूध चढ़ाया है। ये जैसे गर्म होगा इसमें हम कुछ नींबू के साथ डालेंगे जिससे दूध फट जाएगा। ये देखिए, हमें दूध में उफान आ गया और अब हम इसमें नींबू का सर डालेंगे, इससे तुरंत दूध फट जाएगा। ये देखिए, हमारा दूध अच्छी तरह से फट गया है, दूध अलग और पानी अलग हो गया है, बहुत अच्छा से फटा है। इसको अब हम छान लेंगे, इसे हम छानेंगे और इस पे थोड़ा सा ठंडा पानी भी डालेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, पूरे लास्ट तक वीडियो देखिएगा तभी अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आएगा। अब इसे हम 15 से 20 मिनट छोड़ेंगे जिससे इसकी जितनी पानी है वो सारा निकल जाएगा। हम अपनी छेना को छान लिए थे और एकदम ड्राई हो गया है, ये देखिए। अब हम इसमें केसर, हल्का सा गुलाब जल के अंदर में केसर हमने घोल लिया है और इसको अब इसमें डालेंगे क्योंकि हमें केसरिया संदेश बनाना है। हम केसर डाल के अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे जिससे इसका कलर खिल के आएगा बाहर। चम्मच से आप खूब अच्छी तरह से इसको मैसे, देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है। अब हम इसमें चीनी भी डाल लेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, ये देखिए। अब चीनी डाल के इसको बहुत अच्छी तरह से मिलाएं, इसका कलर बहुत सुंदर आएगा। जितना अच्छी तरह से इसको मिलाते जाएंगे आपका संदेश उतना ही अच्छा बनते जाएगा। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से इसे हम मैस कर रहे हैं, आपस में चीनी और वो छेना बहुत अच्छी तरह से मिल जाए। और आप वीडियो को एकदम अंत तक देखें, बिल्कुल भी बीच में ना छोड़े, अगर छोड़ देंगे तो कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाएगा, इसलिए आपको देखते ही रहना पड़ेगा कंटिन्यू। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची डालेंगे जिससे कि इसका फ्लेवर और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये अपने बन के बस तैयार होने वाला है और अब हम आपको बताते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा सा ले और एकदम बॉल के आकार में छोटा छोटा बना ले। आपको जैसे भी इच्छा, जो भी साइज का बनाना हो आप उस साइज के बनाए और अपने ट्रे में रखते जाएं। आइए, इसका हम थोड़ा गार्निश भी कर ले। ये केसर हमने जो घोल के रखा था, हल्का हल्का केसर के धागा आप एक एक इसमें लगा ले जिससे दिखने में बहुत सुंदर दिखेगा। आप यकीन मानिए, ये संदेश बहुत टेस्टी है। और ये थोड़ा इलायची का पाउडर है, आप अंदर भी कुछ डाल सकते हैं, कुछ ऐसे भी लगा लें जिससे दिखने में सुंदर, टेस्ट भी अच्छा। बादाम और पिस्ता का भी गार्निश कर लें जिससे खाने में भी टेस्ट अच्छा लगेगा और देखने में तो सुंदर लगता ही है। आप जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये संदेश। ये देखिए कितना सुंदर और कितना प्यारा दिख रहा है। आज बसंत पंचमी के दिन आप केसरिया संदेश बनाएं, खुद भी खाएं और औरों को भी खिलाएं। थैंक यू।